चित्रांग शहीद का जिंदाबाद, चित्रांग शहीद का जिंदाबाद, जिंदाबाद, कायस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कायस एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और क्या मनोरंजन किया गया? आज ये बहुत प्रतीक्षित था क्योंकि मेरा जो मनोनयन हुआ था उसके मैंने वादा किया था कि 1.5 महीने के अंदर मैं अपनी कार्यकारिणी घोषित करूंगा, तो आज वो समय आ गया है। मैंने 51 लोगों की प्रदेश कार्यकारिणी आज घोषित की है जिसमें जिलाध्यक्ष हैं, हमारे कई जिलाध्यक्ष आए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के नगर के अध्यक्ष, महासचिव, प्रशासनिक सचिव, मिलाकर टोटल 51 लोगों की कार्यकारिणी घोषित की गई है। मुख्य उद्देश्य, जैसे पहले भी मैंने अपने इंटरव्यूज में कहा है, बहुत कायस्थ समाज काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं समाज। हमारा जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का मेन उद्देश्य है कि जो हमारी जितनी हिस्सेदारी, हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। कहीं भी जाते हैं तो हर समाज का नाम आता है, कायस्थ समाज का कहीं भी किसी भी चैनल पर कहीं नाम नहीं आता है। हम शून्यता की ओर बहुत ही शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। अब 15 साल से बहुत ही गिरावट आई है, उसका मैंने बीड़ा उठाया है। 3 साल का मैंने संकल्प लिया है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूपी, ईस्टर्न यूपी, हमने संकल्प लिया है कि कायस्थों में राजनीतिक चेतना पैदा करेंगे और हर 3 महीने या 6 महीने पे हर जिले में कार्यशाला आयोजित होगी जिसमें जो लोग सक्षम हैं या नहीं सक्षम है, अगर राजनीतिक कीड़ा है उनमें, वो कुछ करना चाहते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके उनको चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे। आज हमने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है। हर जिले में जितने लोग आए हैं उनसे मैंने कहा, जिला अध्यक्ष आप अपनी कमेटी बनाइए और प्रशासनिक अधिकारी कोई भी आता है तो जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 5 कमेटी जाए, उनसे बात करें। और जिस तरह से और संगठन लोग जाते हैं, काय समाज का प्रतिनिधिमंडल, आज तक जहाँ तक मुझे आइडिया है किसी भी जिले में काय समाज का प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किसी भी DM या SSP या SP से नहीं मिला है। मैंने आज सबसे विनम्र आग्रह किया है कि आप लोग यहाँ से जाके हर जिले में अपनी कमेटी बनाइए और सारे प्रशासनिक अधिकारियों से मिलिए, अपना परिचय दिए, अपना नाम नोट कराइए, अपना नंबर नोट कराइए। महिलाओं की संख्या मेरे अंदर अभी जो बनाई है, एक प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश महिला महामंत्री, प्रदेश निधि श्रीवास्तव जी हैं, प्रदेश महिला महामंत्री निधि रीना विक्रम सिंह हैं जो बीमार हैं अभी भी, तब भी वो आ रही हैं, महिला नगर अध्यक्ष जो हैं निधि श्रीवास्तव जी हैं, और भी श्रद्धा श्रीवास्तव जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो भी बीमार हैं। 3 महिलाएं हमारे वायरल से पीड़ित हैं, वो नहीं आ पाई हैं। वो अपनी कार्यकारिणी निधि श्रीवास्तव जी ने वादा किया है मुझसे फ़ोन पर, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तब भी वो आई हैं। उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन के अंदर अपनी कार्यकारिणी कम से कम 11 लोगों की बना के दूंगी, उसके बाद नवम्बर तक मैं कार्यकारिणी पूरी बनाऊंगी। आज आपको किस पद का दायित्व तो मिला है? अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो बनाया गया है उसमें क्या दायित्व तो आपको मिला गया? आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष का पद मिला हुआ है। श्याम जी और शिखर भाई ने मुझे ये पद दिया हुआ है और बहुत ही मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने पद की गरिमा बनाए रखूँगी और लोगों को, कायस्थ जितने भी हैं हमारे पास, तो उनको मैं सबको ज्वाइन करके और अपने अखिल भारतीय सभा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। आपको लखनऊ महानगर का कुछ पद जी क्या दायित्व दिया गया और कैसे अपने दायित्व का निर्वहन करें? जी, महिलाओं को और भी हमारे समाज के और भी लोगों को जोड़ने का उतना दायित्व मिला है जिसको मैं पूरी तरीके से निभाऊंगी और अपने कायस्थ समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहूँगी। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कायस्थ परिवार में जो किसी कारणों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, वो उनके कहीं ना कहीं उनके पास धन का अभाव, उनके लिए संगठन आपका किस तरीके से काम करेगा? जी, हमारा संगठन उन लोगों को चिन्हित करके उनके उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है और आगे हमारे जितने भी पदाधिकारी जो बनाए गए हैं, नगर अध्यक्ष हैं, चाहे मैं महिला नगर अध्यक्ष हूँ, तो हम लोग उनको चिन्हित करके आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, हर एक चीज़ का हम लोग ध्यान रख सकें। आपको किस पद का दायित्व तो मिला है, किस तरीके से निर्वहन करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने शेखर भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी और साथ ही मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि मुझे आने में जो तीन दिन हो गया, मैं ऑलरेडी अस्वस्थ चल रही हूँ काफ़ी दिनों से, लेकिन आपका आदेश हुआ था कि आप आए। सर, आज जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, महत्वपूर्ण दायित्व तो आपके पास है, किस तरीके से समाज को लेकर के चलेंगे आप? देखिए, मैं शेखर भाई का तो बहुत आभारी हूँ
क्योंकि ये अपने कायस्थ समाज के लिए बिल्कुल समर्पित हैं, चाहे कुछ हो जाए कायस्थों के लिए 24 घंटे जैसे और भी सारे सदस्य हमारे हैं यहाँ के, लेकिन विशेष रूप से मैं ये गुण देखा है कि हम अपने समाज के लिए बिल्कुल समर्पित रहते हैं। अभी जब मैं देखा, मैं थोड़ा सा विलम्ब से आया और इन्होंने मुझसे कहा, सबको पब्लिकली कहा, सब सारे सदस्यों से कहा कि मैंने इनके लिए पद चुना है, इनकी कंसर्न नहीं हुई है। मैंने यही कहा कि आपको पूरे राइट है, मैंने कभी कुछ ना किया ही नहीं है। तो ये इनकी एक देखिए कितनी एक विशेष बात है। और जो इन्होंने आज जो अखिल भारतीय महिला कार्यसभा का जो इन लोगों को पूर्वी का जो लोग गठन किया है, सबको यहाँ पे आज पत्र बांटे हैं, 51 लोगों की कमेटी गठित की है। और सबसे पहले तो हम उन सबको बधाई देते हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इन्होंने इतने अच्छे से उसको डिज़ाइन किया है, जो उसका प्रारूप दिया है संगठन का, कि किसी को सामाजिक क्षेत्र में है, कुछ चिकित्सा क्षेत्र में है, शिक्षा क्षेत्र में है, और राजनीतिक में भी है, और न्याय में भी है। तो हर क्षेत्र को इन्होंने पूरा पूरा कवर किया है। तो मैं समझता हूँ कि शेखर भाई के तत्वाधान में ये सारी कमेटी जो है और बहुत अच्छा कार्य करेगी अपने समाज के लिए और सबके लिए, जनहित के लिए। आप अपना पद बता दो। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा पूर्वी अभिषेक का वरिष्ठ महामंत्री हूँ। मुझे ये कार्यभार शेखर जी ने दिया है और मैं ये सुनिश्चित कराना चाहता हूँ कि इन्होंने जो मुझे कार्यभार दिया है उसमें मैं इनके साथ पूरी तरीके से हूँ, और जो भी इनका एजेंडा, जो विषय मेन विषय है, उस पर मैं कार्य करूँगा। बाकी इनके भी इनको विशेष धन्यवाद और अभिनंदन, और हमारे संरक्षण अनूप जी का विशेष स्वागत है। मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का पूर्वी का उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया है, श्री शेखर श्रीवास्तव द्वारा नियुक्त किया है। देखिए, तीन चीज़ों को लेकर के ये हमारा संगठन बना है कायस्थ महासभा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चेतना को जागृत करने के लिए सबसे पहले शेखर कुमार श्रीवास्तव जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अजय कुमार श्रीवास्तव अज्जू एडवोकेट, आपने मुझे इस लायक समझा कि प्रदेश स्तर पर जो आपने हमें जिम्मेदारी दी, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से निभाऊंगा, और मैं आपका फिर से एक बार हृदय तर की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। वैसे आगे ले जाए पर ही लेना मेरे लिए बहुत स्वाभाविक की बात है। तो मेरा पहला काम हुआ कि वहाँ के समाज को इकट्ठा करना और जाके धरातल पर काम करना, लोगों की इमोशंस के साथ जुड़ना कि वहाँ पर किसको कितनी तकलीफें हैं, किसको हमारी ज़रूरत है। संगठन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो लोगों की इमोशंस के साथ जुड़ना, तभी लोग हमारे साथ रहेंगे। वो दर्द है, हम लोगों ने कायस्थ विकास परिषद इसी उद्देश्य से बनाई थी, जिसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, और इस उद्देश्य से बनाई थी कि हम लोग अपना संगठन खड़ा करके और अपनी राजनीति, हम लोगों ने सर्वे किया था कहाँ कहाँ कितने लोग कायस्थ थे, जहाँ अपने बल पर हम लोग राजनेता बन सकते हैं। लेकिन हम लोगों के अंदर क्योंकि जब ज्ञान ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो उठाने लगता है, बाल्टी भर जाती, नीचे पानी गिरने लगता है, वो पानी गिरा और हमारा वो संगठन जो फिर शुरू हुआ। शेखर जी की ऊर्जा देख करके, और हमने ऊर्जामान व्यक्ति हैं, लगा कि इस बार जो है पानी अंदर रहेगा और हम लोग इस प्रदेश में क्या पूरे देश में एक बहुत सशक्त रूप से काय समाज आगे जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर के आज इनके साथ में है और हर तरीके से साथ में। क्या कहना चाहेंगे? कम मैं सर्वप्रथम भगवान माया सुहावती को नमन करते हुए मैं समय प्रदेश संगठन माननीय शेखर जी भाई साहब ने मेरे को प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त किया है, और उनके द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है मेरे को, उसको मैं अपने समस्त चित्रांत भाइयों के अंदर एकता के साथ रक्षित करना चाहता हूँ। और जो संघ के द्वारा हमारा उद्देश्य है कि इस प्रकार से विवेकानंद जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के कायस्थ समाज को एक पहचान दी हुई है, देश ने स्वीकार किया है उनको, और जिन्होंने देश के लिए सब कुछ किया है, देश उनको ना भूले, हम सभी उन्हीं के अंश हैं।